करमजीत कौर के केस में फेक ऑफर लेटर जो कि इंडिया के एजेंट ने उसको प्रोवाइड किया, उसके बेसिस पे ना तो उसके ऑफर लेटर को वेरीफाई कर पाई कनाडा इमिग्रेशन इंडिया से, ना ही बॉर्डर सर्विस एजेंसी को पता चला। अब उसने स्टडी कर ली, वर्क एक्सपीरियंस ले लिया और अब उसको कह रहे हैं कि कनाडा छोड़ दो क्योंकि तुम्हारा फेक ऑफर लेटर था। कहां तक सही है बात यह कनाडा गवर्नमेंट की, और स्टूडेंट कैसे वेरीफाई करे भी उसका ऑफर लेटर जेन्युइन है कि फेक है, और क्या स्टूडेंट को इसका खामियाजा भुगतना चाहिए जिसके में उसका कोई भी कसूर नहीं है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं और कैसे एग्जैक्टली इस सिस्टम की वजह से स्टूडेंट को नुकसान हो रहा है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि करमजीत के साथ इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें उसका कोई कसूर ना होते भी उसे कनाडा फेडरल कोर्ट है, उन्होंने भी कह दिया कि भाई इस लड़की को कनाडा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसको वेरीफाई करना चाहिए था ऑफर लेटर। जबकि देखने वाली बात है कि जब उसने वीजा अप्लाई किया ना तो वीजा ऑफिसर उस चीज को वेरीफाई कर पाया ये असली ऑफर लेटर है कि नकली ऑफर लेटर, ना जब वो बंदा लैंड कर कैंडिडेट ने लैंड किया लड़की ने बॉर्डर सर्विस एजेंसी के पास यानी कनाडा के बॉर्डर पे एयरपोर्ट पे, तब कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी को नहीं पता चला। अगर ये दोनों तकड़े अदारे जो हैं कनाडा इमिग्रेशन के अगर ये चीज को वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो खुद बंदा सोचो कि स्टूडेंट या एप्लीकेंट कैसे वेरीफाई कर पाए। तो इस चीज को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को इस YouTube चैनल पे देखते हैं तो मैं बता दूं जी कि मेरा नाम है जॉनी हंस, आई एम अ यूट्यूबर व्लॉगर, उसके साथ साथ CICC सर्टिफाइड लाइसेंस एंड ट्रेन्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ऐसा ही केस हमारे पास एक बार 2022 में भी आया था और सेम कॉलेज का। इसका मतलब ये है कि इंडिया में ऐसे एजेंट हैं जो फेक ऑफर लेटर कॉलेजेस के जनरेट करके भी वीजास लगवा रहे थे। 2018 का ये केस है और ऐसा ही एक केस जैसे मैंने पहले कहा कि करमजीत के जैसा सेम कॉपी पेस्ट के केस एक हमारे पास आया था। उस लड़के ने भी वो बताया था कि उसका ऑफर लेटर फेक है, उसको भी कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने यही बोला था कि तुम्हें कंट्री छोड़नी पड़ेगी क्योंकि तुमने मिस रिप्रेजेंटेशन किया। यहाँ पे सेम चीज करमजीत कौर के साथ हो रही है कि यार उस वो एक अपने पास के एजेंट के पास गई, उन्होंने बोला मैंने कनाडा में स्टडी करने जाना है, उस एजेंट ने उसको जो ऑफर लेटर दिया वो जेन्युइन नहीं था, बट स्टूडेंट ने इस चीज को वेरीफाई नहीं किया, उसने साइन वगैरह जो भी करके अपना उसका स्टूडेंट वीजा आ भी गया। अब स्टूडेंट वीजा तो उसी पे मिलेगा जो कुछ जेन्युइन हो। तो अगर यू नो कनाडा जो इमिग्रेशन का यू नो ऑफिस है, जो कनाडा एम्बेसी है इंडिया में, उन्होंने नहीं वेरीफाई कर सके कि ये फेक है या असली है या नकली है, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट और एप्लीकेंट कैसे वेरीफाई कर सकता है कि ये ऑफर लेटर असली है या ऑफर लेटर नकली है? अब उसके भी छोड़िए, जब कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी जो पोर्ट पे होती है उन्होंने चेक की डॉक्यूमेंट्स, उनके हिसाब से भी ओके रिपोर्ट थी, उन्होंने भी स्टूडेंट को भेज दिया। उसके बाद जब स्टूडेंट कॉलेज जा रहा था रजिस्ट्रेशन के, कॉलेज ने बताया भी हमारा जो ऑफर लेटर है ये जेन्युइन नहीं है। बस ये गलती हुई स्टूडेंट ने कि स्टूडेंट ने इस चीज को रिपोर्ट नहीं किया और अपना कॉलेज एडमंटन में दूसरा कॉलेज ले लिया, और ये भी कहा जा रहा है कि उसके एजेंट के कहने पे ही उसने सब कुछ किया। तो कहने का मतलब है जो इंडिया में एजेंट बैठा था वो सब कुछ करवा रहा था और स्टूडेंट वैसे वैसे करते गए। ऐसा ही जैसे मैंने पहले कहा एक प्रोटोटाइप के जैसे ही करमजीत गई एडमंटन, वो लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं आइडेंटिटी अभी शेयर नहीं करूंगा, उसको बोला गया था कि आप मॉन्ट्रियल के कॉलेज में एक में चले जाओ, वहां पे आपकी एडमिशन करवा दी। उस स्टूडेंट ने भी पूरी पढ़ाई कर ली थी, यू नो फीस पे की पूरी स्टडी कंप्लीट कर ली, और जब वर्क परमिट उसने जब लिया लेने गया तब उस उनको पता चला कि ये ऑफर लेटर फेक था और सो एंड सो वाज द प्रॉब्लम, वो भी रिपोर्टेड केस था। तो सेम केस में उस लड़के ने भी नुकसान उठाया और इस यू नो स्टूडेंट करमजीत को भी अब सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जबकि कसूर उनका कोई नहीं है। बट फिर जैसे मैंने पहले कहा कि बंदा कैसे अप्लाई करे, सबसे पहले देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कनाडा के एजुकेशन सिस्टम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को केटर करता है उनकी भी गलती है, उनकी भी शॉर्टकमिंग है। भाई जब आप यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं जब एजेंट्स को ऑनबोर्ड करते हैं दे हैव टू वेरीफाई। अगर आप सच बात पूछें एजुकेशन इंडस्ट्री की, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होते हैं जो यू नो दूसरी कंट्री से एजेंट्स होते हैं ना तो वो CIC के अंडर आते हैं,
ना वो लॉ जो बार एसोसिएशन ऑफ कनाडा है उनके अंडर भी नहीं आते, ना वो किसी नोटरी या क्वेबेक बार एसोसिएशन के अंडर आते हैं। उनके ऊपर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती, ना उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ना उनपे कोई यू नो चीजें एथिक्स कोड लागू होते हैं। अगर कोई कनाडा का, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर कोई कनाडा का CICC सर्टिफाइड कंसल्टेंट होगा या लॉयर होंगे, सो दे हैव सो मेनी थिंग्स टू यू नो अबाइड बाय। वो दे हैव टू गो बाय द कोड ऑफ एथिक्स। वो कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से फ्रेम नहीं कर सकते। दे कैन नॉट गिव रॉन्ग स्टेटमेंट टू द यू नो कैंडिडेट्स। दे कैन नॉट इवन से कि हम गारंटी के साथ तुम्हारा वीजा लगा सकते हैं। ये वर्ड गारंटी भी यूज नहीं कर सकते उस केस में। ना वो कह सकते हैं कि हाँ भी हम हमारा इमिग्रेशन में कोई जान पहचान वाला हम करवा देंगे। तो दे गेट अ होल लिस्ट ऑफ कॉन्डक्ट टू गो बाय। अगर वो नहीं करते तो ऑब्वियसली दे कैन get you know complaints against them, they can lose their license, there's so much that can happen. So isliye I think agar possible ho sake, there are regulated consultants jinke paas aapko jana chahiye. Kabhi ye nahi hoga unke through ki aapko koi fake offer letter mil jaye. To ye cheez sabse badi baat ho jati hai. इसी तरह जब आपको कोई ऑफर लेटर मिलता है, एक बार आप कॉलेज के साथ चेक जरूर कर लो कि आपका ऑफर लेटर जो मिला है, इज दैट अ जेन्युइन ऑफर लेटर। क्योंकि अगर करमजीत के साथ ये सब कुछ हुआ तो आई एम श्योर ऐसे ही दूसरे एजेंट्स ने बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ फेक ऑफर लेटर दे के पता नहीं क्या क्या कुछ किया होगा। सो नो वन नोज अबाउट इट। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये वो चीज है जो सबको पता चल गई, बट इमेजिन कि कितने बच्चे अभी इस ऐसी सिचुएशन में पढ़ सकते हैं अगर उन्होंने ये चीजों को वेरीफाई नहीं किया। अगर कभी भी आपको ऐसी चीज पता चलती है तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज रिपोर्ट इट टू द पुलिस, या उसके साथ साथ आप जो सिविल लॉ है लॉयर्स हैं या फिर इमिग्रेशन लॉयर्स भी इसमें केस में ज्यादा कुछ उस वक्त नहीं कर सकते, बट अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो उस फ्रॉड को रिपोर्ट कीजिए, सो दैट यू आपका एक रिकॉर्ड बन जाए, ताकि कल को अगर आपके ऊपर बात आओ आप उसमें से क्लीन निकल आओ कि हाँ भाई आपने रिपोर्ट कर दिया था, आपको नहीं पता था। अब इस केस में भी करमजीत को टेक्निकली पता नहीं था, और आई नो कनाडा का जो इमिग्रेशन लॉ वो यही कहता है कि अगर एप्लीकेंट किसी चीज के ऊपर साइन कर रहा है, विच मीन उसने सारे दस्तावेज, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन अच्छी से रीड कर ली होगी। तो प्लीज जब आपको ऑफर लेटर मिलता है उसको अच्छी तरह रीड कर लीजिए। आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पे लिखा होता है कौन सा आपका कोहर्ट या इनटेक है, कौन सा कॉलेज है, क्या रेफरेंस नंबर है। आप हमेशा कॉलेज के साथ उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए कभी भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स या फिर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टडी करनी है, तो आप CICC की वेबसाइट पे जाके जो रेगुलेटेड कंसल्टेंट्स हैं उनकी लिस्ट ले सकते हैं। हमारी रेगुलेशन का जो लिंक है सर्टिफिकेशन का, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको कभी भी हेल्प चाहिए किसी कॉलेज में स्टडी करने के लिए या फिर आपने किसी प्रोग्राम में स्टडी करने के लिए कनाडा आना है, तो हमारी टीम आपको सर्व कर सकती है मॉन्ट्रियल नॉर्थ बे। उसके साथ साथ इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम इंडिया, और यू नो अगर आपको कभी भी कुछ हेल्प चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारे कॉन्टैक्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप ईमेल कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है आपको, apply@checkcheckservices.com। या अगर आप ऐसे किसी भी फ्रॉडुलेंट का आपको डर है फ्रॉड का, तो आप canada.ca पे जाके उनकी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैनेडा इमिग्रेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप पे कल को ओनस ना आए, आपकी जिम्मेवारी ना बने। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी। जो कुछ करमजीत के साथ हो रहा है किसी और स्टूडेंट के साथ कभी ना हो, आई रियली विश दैट। एंड आई एम श्योर कि यू नो करमजीत की हेल्प करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त लगी हुई है। आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर जरूर कर लेंगे। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, राम राम।